सुबह सुबह बासी रोटी खाने के फायदे देख डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इतने फायदे आज तक आपने सोचे भी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आज से ही अगर आप स्वस्थ निरोग जीवन जीना चाहते हैं, जिंदगी भर डॉक्टर के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं, तो आज से ही बासी रोटी खाना शुरू कर दी। रात के खाने के बाद हमारी कुछ रोटियां बच जाती हैं, जिसे हम सुबह फेंक देते हैं या जानवरों को डाल देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 12 घंटे से ज्यादा समय तक रखे हुए खाने को खाने से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है। मगर एक्सपर्ट्स के अनुसार बासी रोटी खाना सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ताजी की बजाय बासी रोटी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बासी रोटी में ज्यादा पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशंस और प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। आज मैं आपको बासी रोटी खाने के कुछ ऐसे फायदे बताऊंगी जिसे जानकर आप भी बासी रोटी आज से ही खाना शुरू कर देंगे। अगर आपको डायबिटीज रहती है तो आपके लिए बासी रोटी वरदान है। डायबिटीज रोगियों को सुबह के समय बासी रोटी को ठंडे फीके दूध के साथ जरूर खाना चाहिए। इससे आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल सही रहता है और आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है वो धीरे धीरे बिल्कुल कंट्रोल आना शुरू हो जाती है। और आप खुद देखेंगे कि अगर आप इसका सेवन लगातार 1 महीना तक करते हैं तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल आ जाएगा बिल्कुल। आप जब भी टेस्ट कराने जाएंगे तो आपको हमेशा ही नॉर्मल मिलेगा। लेकिन ऐसा आपको रोजाना करना है। कम से कम 1 से 2 रोटी आप ठंडे दूध के साथ रोजाना सेवन करें। बिल्कुल सुबह उठते ही बासी मुंह आप इस चीज का सेवन करें, मतलब कोई भी नाश्ते में और चीज ना खाएं, सबसे पहले इसे ही खाएं। अगर आपका बीपी बड़ा रहता है तो उसका सेवन करने से आपका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी यही समस्या है तो रोजाना सुबह नाश्ते में इसका सेवन करें और फिर देखें इसके चमत्कार फायदे। अगर आपको एसिडिटी या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, खट्टी डिकारे आती है, आपका पेट फूल जाता है, आपकी छाती में जलन होती है, आपको गैस्ट्रोलॉजी की समस्या है या हमेशा आपके पेट में दर्द रहता है और खाना हजम नहीं कर पाते, आपको हमेशा भारीपन महसूस होता है, ऐसे में आपके लिए बासी रोटी वरदान है। क्योंकि गेहूं से बनी बासी रोटी में फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो आपको पचाने में, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में मदद करता है। लेकिन आपको भी बासी रोटी रोजाना ठंडे दूध के साथ सेवन करनी है। उसके बाद देखिए कि आपका पेट, आपका शरीर कितना हल्का फील होता है। आप बहुत ही अच्छा और लाइट फील करेंगे। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसका सेवन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। कई फिटनेस सेंटर और जिम में एक्सरसाइज करने के बाद सुबह बासी रोटी खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। तो अगर आप भी अपने फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को टोन्ड करना चाहते हैं आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहे, तो आज से ही बासी रोटी को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। ताजी रोटी के बजाय बासी रोटी अधिक पौष्टिक होती है। बासी रोटी शरीर के तापमान को संतुलन रखती है। दूध के साथ बासी रोटी खाने से हमारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। गर्मियों में इसका सेवन करने से हमें हाई स्ट्रोक जैसी समस्याएं नहीं होती और ठंड में अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में एक नॉर्मल तापमान बना रहता है। आप सर्दी जुकाम बुखार से भी बच पाएंगे। अगर आप अपने आहार में संपूर्ण पोषक तत्वों का सेवन नहीं कर पाते, आपके शरीर में कमजोरी है, ऐसे ही अगर आप अपने शरीर में सुफूर्ति और ताजगी बनाना चाहते हैं वो भी वेजिटेरियन खाने से, तो बासी रोटी अपने नाश्ते में आज से ही शामिल करने। हर रोज कम से कम एक बासी रोटी खाने से आपके शरीर में जो ताकत और सुफूर्ति आएगी ना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई बार कुछ लोग काफी दुबले होते हैं। अगर आप भी दुबलेपन से निजात पाना चाहते हैं तो बासी रोटी खाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इससे शरीर की पर्याप्त मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिलता है और दुबलेपन से राहत मिलती है। दुबलेपन से निजात पाने के लिए आप रोज सुबह ठंडे दूध के साथ बासी रोटी का सेवन करें। आप रात को रोटी बना के रखें एक स्पेशल और सुबह उस बासी रोटी का सेवन करें। उसके बाद अपना आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन सुबह आपको सबसे पहले नाश्ता बासी रोटी का ही करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। रोटी के मुकाबले बासी रोटी में अधिक मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए अब से बासी रोटी को फेंकना बंद कर दो और दूध के साथ खाना शुरू कर दो। बासी रोटी खाने से पहले भी आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, जैसे कि 12 से 16 घंटे पहले बनी हुई गेहूं की रोटी को अगर आप खाएंगे तो बहुत फायदा पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप रात की बची हुई रोटी को सुबह या सुबह से बची रोटी को रात को खा सकते हैं तो अच्छा, लेकिन इससे ज्यादा पुरानी है, 2 दिन पुरानी है अगर आप सोचें तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा,
क्योंकि वो रोटी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो आप 8 से 10 घंटे का गैप मेंटेन करें, उसके बाद आप उसको खाएं, इससे ज्यादा टाइम को ओवर मत होने दें। तो आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान का, गरीब से लेकर अमीर इंसान का पेट भरती है। रोटी के लिए हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, तो अपना कमाया हुआ पैसा डॉक्टरों पे फिजूल क्यों खर्च करें यार। अपनी सेहत को मेंटेन करो, आपके मांसपेशियों को आराम देती है, पेट को अच्छा करती है, बीपी कंट्रोल करती है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल करती है, आपकी सेहत बनाती है, तो इससे अच्छी चीज हो ही क्या सकती है जो भगवान ने हमारे लिए बनाई है। तो आज से ही इस तरीके से इसका सेवन करें और खुश रहें, अपना ख्याल रखें, ऐसे ही ढेर सारा प्यार मुझे और मेरे चैनल को देते रहें। मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।